बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू स्टडी ग्रुप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरा आपके साथ लेक्चर नंबर 7 है, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। चलते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, एस आई यूनिट ऑफ प्रेशर इज़, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, पास्कल। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, द स्टेट ऑफ बहावलपुर वाज फाउंडेड बाय, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, नवाब बहावल। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मैनी सेशंस ऑफ गांधी जिना टॉक्स वर हेल्ड इन 1944, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, 12। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी क्रिकेटर टू मेक सेंचुरी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, नज़र मोहम्मद। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, रैंड इज़ द करेंसी ऑफ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, साउथ अफ्रीका। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द नंबर्स ऑफ लेटर्स इन द उर्दू लैंग्वेज आर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, 39। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ कैमरा यूजेस आर डैश टू टर्म एन इमेज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, कन्वेक्स लेंस। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, द ड्यूरेशन ऑफ नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान इज़, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 120 सेकेंड्स। आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, होम डिड अल्तामिश नॉमिनेट एज हिज सक्सेसर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, रज़िया सुल्ताना। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, विच कंट्री वॉन 2014 फुटबॉल वर्ल्ड कप, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, जर्मनी। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, द फर्स्ट वाटर अकॉर्ड वाज साइंड अमंग द प्रोविंसेस इन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 1991। आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, द स्मॉल टाउन तफ्तान इज़ लोकेटेड नियर पाकिस्तान्स बॉर्डर विद, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हेन द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज लेफ्ट द ऑफिस इन 1939 द इंडियन मुस्लिम सेलिब्रेटेड इट एज द, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, डे ऑफ डिलीवरेंस। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, लीवर। आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हेड क्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ लोकेटेड इन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, गनेवा। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है, पाकिस्तान ज्वाइंट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, 1995। आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स हेल्प्ड कायद आज़म इन द प्रिपरेशन ऑफ हिज 14 पॉइंट्स इन 1929, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। क्वेश्चन नंबर 18 है, सर सैयद अहमद खान एडवाइज द इंडियन मुस्लिम्स नॉट टू बी इन अ हरी टू टेक पार्ट इन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, राइटिंग आर्टिकल्स। आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कैबिनेट मिशन प्लान सुजेस्टेड डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू डैश पार्ट्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 3। आगे क्वेश्चन नंबर 20 है, लैक्टोमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर द प्योरिटी ऑफ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, मिल्क। आगे क्वेश्चन नंबर 21 है, अ सुपरवाइज़र इज़ वन हु, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, प्रोवाइड्स फ्रेंडली हेल्प। आगे क्वेश्चन नंबर 22 है, पाकिस्तान फर्स्ट प्राइवेट एयरलाइन इज़, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ओरिएंट एयरवेज। आगे क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंसेज एंड नॉलेज ऑफ साइंसेज इज़ कॉल्ड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। आगे क्वेश्चन नंबर 24 है, हु इज़ द फादर ऑफ 1962 कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, चौधरी मोहम्मद अली।
क्वेश्चन नंबर 25 है, द यंग इटली क्रिएटेड इन इटालियंस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, मॉरल फोर्स। आगे क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, द ओल्डेस्ट ब्रिज बिल्ट ऑन इंडस रिवर इज़, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, सखर ब्रिज। आगे क्वेश्चन नंबर 27 है, सदनाई हेडवर्क्स हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, रावी। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच मुगल किंग लिव्ड इन लाहौर फॉर 10 ईयर्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, अकबर। आगे क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, पाकिस्तान ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन इन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 1969। आगे क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, बिफोर बिकमिंग द गवर्नर जनरल ख्वाजा निज़ामुद्दीन हैड बीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, ईस्ट पाकिस्तान। आगे क्वेश्चन नंबर 31 है, हाउ मैनी डिजर्ट्स इन पंजाब, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 2। आगे क्वेश्चन नंबर 32 है, विच कंट्री वॉन 2016 T20 वर्ल्ड कप, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, वेस्ट इंडियाज। आगे क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, टीचिंग इज़ आ एन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, बोथ साइंस एंड आर्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाना लेक इज़ लोकेटेड इन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, बलूचिस्तान। आगे क्वेश्चन नंबर 35 है, वेयर वॉज द फर्स्ट एनुअल सेशन ऑफ मुस्लिम लीग हेल्ड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, कराची। आगे क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, इलेक्ट्रिकल कॉमर्स। आगे क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, फ्रॉम द इंडियन साइड तशकंद डिक्लेरेशन वॉज साइंड बाय, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 38 है, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नेशनल एंथम इज़ ऑफ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, जापान। आगे क्वेश्चन नंबर 39 है, चार्टर एक्ट वॉज पास्ड इन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, 1813। आगे क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान ऑन डैश 1965, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, 6 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 41 है, द सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन 1877 बाय, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, सैयद अमीर अली। आगे क्वेश्चन नंबर 42 है, नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज़, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, मारखोर। आगे क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, अंडर गांधी अरविंद पैक ऑफ 1931 कांग्रेस एग्री टू कॉल ऑफ दी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, सिविल डिसओबीडेंस। आगे क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, सलाहुद्दीन अयूबी वाज बॉर्न इन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, इराक। क्वेश्चन नंबर 45 है, टू पे ऑफ ऑल डेट्स द यूएस कांग्रेस टैक्स सर्टन होममेड गुड्स इन 18th century, इट वाज कॉल्ड द, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, एक्साइज टैक्स। आगे क्वेश्चन नंबर 46 है, पाकिस्तान्स फर्स्ट कमर्शियल बैंक इज़, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, HBL। आगे क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, क्वीन ज़ुबैदा बिल्ड अ कनाल बिटवीन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, ताइफ एंड मक्का। आगे क्वेश्चन नंबर 48 है, इन विच पीरियड ऑफ मुगल एम्पायर मुगल एरिया एक्सपेंडेड रैपिडली, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, अकबर। क्वेश्चन नंबर 49 है, द मोस्ट डिफ़िकल्ट एज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज़, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, अर्ली चाइल्डहुड। आगे क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी पोइट्स टॉम इज़ लोकेटेड इन मिठनकोट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, ख्वाजा गुलाम फरीद। क्वेश्चन नंबर 51 है, बजटिंग इज़ एन एस्टिमेशन ऑफ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आगे क्वेश्चन नंबर 52 है, फास्टेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड,
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, चीता। आगे क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, द आइडिया ऑफ हिस्ट्री वॉज रिटन बाय, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, रॉबिन जॉर्ज कॉलिंगवुड। क्वेश्चन नंबर 54 है, पाकिस्तान फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1998 एट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, रावलपिंडी। आगे क्वेश्चन नंबर 55 है, द करेंसी ऑफ बांग्लादेश इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, टका। आगे क्वेश्चन नंबर 56 है, कुतुबुद्दीन ऐबक इज़ बरीड इन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, लाहौर। आगे क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, डबल फॉल्ट इज़ एसोसिएटेड विद, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, टेनिस। आगे क्वेश्चन नंबर 58 है, द लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे इज़ कॉल्ड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, M2। आगे क्वेश्चन नंबर 59 है, वन ऑफ द मेन करेक्टर्स ऑफ सिल्क लेटर कॉन्स्परेसी वॉज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, उबैदुल्ला सिंधी। आगे क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, द ओल्ड सिटी ऑफ लाहौर हैड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, 12 गेट्स। व्यूवर्स, आज की मेरी वीडियो कंप्लीट हो गई है। मैंने आपके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस किए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।